अपना घर उजड़ जाना किसी के लिए भी सबसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन इस दर्द के साए में सालों से जी रहे हैं दिल्ली के कठपुतली कॉलोनी के लोग, जिन्हें विकास का हवाला देकर अपने घरों को छोड़ आनंद पर्वत में बने ट्रांजिस्ट कैंप में जाने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल ये जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है और DDA की योजना है कि 2 सालों के भीतर इन लोगों के लिए नए मकानों का निर्माण किया जाए। इसके लिए DDA ने रहेजा बिल्डर्स के साथ करार भी किया है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर बड़े बड़े शहरों में लोगों से उनके आशियाने छीन लिए जाते हैं, ऐसे में ये अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बस्ती में रह रहे 3600 लोगों में से करीब 300 से ज्यादा लोग अब तक ट्रांजिस्ट कैंप में जा चुके हैं, लेकिन बस्ती में रह रहे अन्य लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कॉलोनी को खाली कराने के लिए पुलिस के साथ DDA अधिकारी कैदियों से इलाके में डेरा डाले हुए हैं, जिसके चलते यहां लोग दहशत के माहौल में हैं। लोगों ने उच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई, जिस पर अदालत ने कहा कि लोगों की मर्जी के बिना उन्हें नहीं हटाया जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले दिनों DDA ने शादीपुर मेट्रो स्टेशन से सटी बस्ती की दीवार तोड़ने की बात कहते हुए JCB मशीन लाकर खड़ी कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मौके की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद अफसरों ने बस्ती से JCB को हटा लिया। वैसे DDA यहां कई आशियानों को जमींदोज कर चुकी है, वहीं सरकार यहां के लोगों से इस आश्वासन के साथ सहमति पत्र भरवा रही है कि उन्हें इसके बदले नए घर मिलेंगे। हालांकि इस बात को लेकर हर कोई परेशान है कि बेघर होने का यह सिलसिला कब और कहाँ खत्म होगा। देखते रहिए DB Live।